दोस्तों सबसे बड़ी खबर सुबह ही सुबह आपके सामने, कनाडा ने भारत के साथ अपने संबंध पूरी तरह से लगभग तोड़ ही लिए हैं। रिश्ते कनाडा के साथ जितने अच्छे थे मोदी सरकार की इस हुकूमत में, पूरी तरह से अब रिश्ते खराब हो चुके हैं। बिना रुके, बिना आपका समय बर्बाद किए आपको बता दूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्लियर कट मोदी सरकार को लताड़ लगाते हुए कह दिया है कि हमारे देश में मौजूद सिख समुदाय का एक व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर, जिनके पास हमारे देश की कनाडा की भी नागरिकता थी, वो कनाडा का ही व्यक्ति था, हम तो उसको यही का मानते थे, उसको कत्ल मोदी सरकार ने करवाया है, इंडियन गवर्नमेंट का उसमें हाथ रहा है। किसी देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की मीडिया और अपने संसद में ये बात जब कह देता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपका 56 इंच फुस्सी निकला और आप बिल्कुल बेकार निकले। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का वो बयान इस वक्त सारी दुनिया में 56 इंच की फुस्सी निकाल रहा है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been 1. That our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2. That all. दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर को जून के महीने में, ये देखिए, गोली मारी थी। स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, सीसीटीवी का फुटेज दिखा रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने उनको गोली मारी थी। अब कनाडा की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद बिल्कुल ही कनाडा का रुख पलट गया है। भारतीय बहुत सारे कनाडा में लोग रहते हैं और ख्वाब होता है लोगों का, भारतीय लोगों का कनाडा जाना। अब इसके बाद ऐसे लोगों का बुरा हाल हो सकता है और अगर कनाडा ने सख्त कदम उठाए तो भारतीय जो वहाँ रहते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। हालात इतने ख़राब हैं कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी सीधा सीधा कह दिया है, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया है कि इस बारे में हमने भारत को जानकारी दी है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से भी इस मुद्दे पर मैं बात करूंगी, क्योंकि अब क्लियर अब भारत पर ही, इंडियन गवर्नमेंट पर ही खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। We will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect. देखना ये है कि अब 56 इंच वाले क्या करते हैं और लाल आंख किसको दिखाते हैं। जय हिंद।